आज ये मेरे भाई आफ्ताब कुरैशी साहब ने पुलाव और ये सालन चिकन का सालन भेजा। यहाँ स्कूल में एक चैरिटी डिनर था आज, तो ये पुलाव स्पेशली स्कूल चैरिटी डिनर के लिए बनाया गया और काफ़ी मिकदार में इन्होंने पुलाव और ये चिकन का सालन बनाया। तो आज ये मुझे भी उन्होंने ये भेजा और जो इन्होंने स्कूल में ये चीज़ें भेजी, कहते हैं कि बहुत जल्दी ये वहाँ पर सब ने खाएं और ख़त्म भी हो गया। लोगों को बहुत अच्छा लगा ये पुलाव और चिकन का सालन, तो मुझे भी भाई ने भेजा, तो मैं भी आपके सामने ट्राई करता हूँ। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है और अब खा के मैं बताऊंगा आपको अपना रिव्यू कि कैसे बना है। माशाल्लाह चावल देख लें आप, एक एक दाना इसका जो है ये बिल्कुल अलग है। मुझे पुलाव पसंद है लेकिन हर एक डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन भाई ने ये बनाए, आप देख लें एक एक चावल जो है आपको नजर आएंगे। माशाल्लाह ये चिकन का सालन भी आप देख लें, इसका कलर भी आप देखें और खुशबू, खाने से पहले ही दिल करता है कि मैं वीडियो से पहले ही सब कुछ खा लूं। लेकिन चलें अब आपके सामने मैं अपना टेस्ट करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा जायका है, खासकर जो भाई ने मसाले डाले हैं इनका जायका और इनकी स्मेल बहुत ही नाइस है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो डिश पड़ी है ये भी मैं इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा, ये सालन भी ख़त्म करूँगा, ये अपनी पूरी प्लेट। जिस तरह भाई ने रेसिपी बताई आपको, आप इसी तरीके से बनाएं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बनेगा और ये सालन भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आप उनकी रेसिपी के मुताबिक बनाएं और फिर आप अपना व्यू भी हमारे भाई आफ्ताब कुरैशी को दें, किस तरह आपको उनका पुलाव लगा या बाकी जो खाने बनाते हैं। आप अपने रिव्यू उनको भेजें, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में भी आप बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप बताएं और आप शेयर करें, फैमिली में भी शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब मैं ये पुलाव खा रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, अल्लाह हाफिज़।